Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you this beautiful purple pink eye makeup look with winged eyeliner. So, agar aapko dekhna hai kaise is look ko create kar sakte ho, then please keep on watching. Product ka link as usual description box mein hoga. So, let's start with today's tutorial. सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आई शेडो बेस से. तो इसके लिए मैं यूज़ करूँ कंसीलर फ्रॉम द ब्रांड हुडा ब्यूटी. और ब्रश के लिए मैंने पैक का ब्रश यूज़ किया है. तो ये फ्लट ब्रश है, इसके साथ बहुत इजीली आप कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो. साथ में ब्राउज के नीचे भी मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे. और ये ब्रश बहुत अच्छा है फॉर कट क्रीज ऑल्सो. सो यहाँ पे मैं पूरे आईलिड पे सेम कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ एज माई आई शेडो बेस. इससे आपके आईलिड पे जो भी कलर या फिर पिगमेंटेशन है वो हाइड हो जाएगा और बहुत अच्छा इवन बेस मिलेगा आपको फॉर आई शेडो एप्लीकेशन. इसके बाद मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ एंड उसके बाद सेट की हूँ विथ लूज पाउडर फ्रॉम दी ब्रांड एल्फ. बहुत अच्छा लूज पाउडर है. नेक्स्ट इसके बाद आई शेडो पैलेट के लिए यूज़ करी हुडा ब्यूटी का वाइल्ड कैमेलियन आई शेडो पैलेट. इसमें से जो डार्कर ब्राउन शेड है उसको एक पेंसिल ब्रश में लेके अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे. सो आउटर वी पे पहले मैं कलर को प्लेस कर रही हूँ और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा विंग आउट काइंड ऑफ मैं लुक दे रही हूँ. और उसके बाद मैं क्रीज पे भी सेम कलर को लेके जाऊँगी. सो थोड़ा प्रोडक्ट कम रहे जब ब्रश में तब आप क्रीज पे अप्लाई करना शुरू करें एंड धीरे धीरे आप प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हो. बट एक साथ बहुत ज़्यादा कलर नहीं प्लेस करें. इसके बाद जो थोड़ा सा ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है उसको लेके मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ प्रीवियस शेड के एज को. ये होगा हम लोगों का ट्रांजिशन शेड. सो इसके साथ मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्रीज पे. सो यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के ताकि ब्लेंडेड लुक मिले मुझे. इसके बाद जो शिमरी शेड है काइंड ऑफ मरूनी, थोड़ा सा इसमें पिंक का भी हिंट है, उसको एक फ्लट ब्रश में लेके इनर कॉर्नर टू सेंटर लीड के स्टार्टिंग तक अप्लाई कर रही हूँ. सो ये कलर्स बहुत पिगमेंटेड है. सो इसको आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन मिलेगा. इसके बाद मैं फ्लट ब्रश के साथ ही पर्पल शेडो को अप्लाई कर रही हूँ. ये भी शिमरी शेड है और इसको मैं सेंटर लीड पे अप्लाई कर रही हूँ एज यू कैन सी. सो इसको प्रीवियस शेड के साथ थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए यहाँ पे अप्लाई की हूँ. रेडी शेड था शिमरी शेड, उसको इनर कॉर्नर के साइड पे अप्लाई कर रही हूँ. एंड इसके बाद मैं ब्राउन शेडो को फिर से अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लेने के लिए. सो ताकि कोई हार्श एजेस ना दिखे मुझे कोई भी कलर के बीच में. सो यहाँ पे मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ शेडो को ताकि अच्छा सा ब्लेंडेड लुक मिले विद दैट शिमरी शेड ऑल्सो. इसके बाद मैं लैक्मे का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे. पर्पल शेड में है ये. एंड उसके बाद ब्राउन शेडो को लैश लाइन के एकदम क्लोज क्लोज अप्लाई की हूँ. उसके बाद उसको भी ब्लेंड कर लूँगी विद दैट ऑरेंजी ट्रांजिशन शेड. इसके बाद मैं लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ टू फेस का बेटर देन सेक्स लाइनर. बहुत थिन एप्लीकेटर है, बहुत ही ब्यूटिफुल लाइनर है. आई लव दिस लाइनर. सो ये थोड़ा सा प्राइसी साइड का है. अगर आपको अफोर्डेबल साइड का चाहिए देन यू कैन ट्राई दैट स्विस ब्यूटी का आईलाइनर, वो भी बहुत अच्छा है. सो इसके साथ मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी. सो पेन आईलाइनर के साथ थोड़ा सा इजी होता है लाइनर ड्रॉ करना. सो बिगनर हो तो पेन आईलाइनर से आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे आपको थोड़ा इजी होगा. तो यहाँ पे मैं लाइनर के साथ इनर कॉर्नर को भी पॉइंटेड क्रिएट की हूँ एज यू कैन सी. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काजल ब्लैक शेडो में बिकॉज मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि लोअर वाटर लाइन पे भी ब्लैक देने से ज़्यादा अच्छा लगेगा ये लुक. इसके बाद हाइलाइटर के लिए यूज़ की हूँ कलर बार का हाइलाइटर. बहुत अच्छा एक हाइलाइटिंग पैलेट है. इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट की हूँ विद दैट हाईलाइटर. इसके बाद मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ की हूँ हुडा ब्यूटी का मस्कारा. सो इसमें आपको डबल एंड मिल जाएगा. वॉल्यूम एंड लेंथ के लिए दो आपको अलग अलग वंड मिलता है.
सो मैं वॉल्यूम वाला लेके लोअर एंड अपर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी. दिस इज़ ए ब्यूटिफुल मस्कारा. इसके बाद पैक का मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ शेड 48. ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हो. सो यहाँ पे जो पिंक काइंड ऑफ ग्लिटर है उसको मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी सेंटर लीड स्पेस पे. बहुत ज़्यादा ओपेक फिनिश नहीं देना है, स्पार्शली यहाँ पे यूज़ की हूँ. और ये प्रेस्ड ग्लिटर है, सो अलग से आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं है. फोर्स आई लैशेज भी यहाँ पे अप्लाई की हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक. लेट मी नो कैसा लग रहा है आपको ये ओवरऑल आई मेकअप. सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज़ फॉर मोर अपडेट. मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.